राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे मंदिरों में मुझसे पूर्व आपका पूजन हो। मेरी एक इच्छा और है हनुमान, आपके लाल रूप समान मेरी प्रतिमा की स्थापना भी मेरे प्रिय काले रंग में हो, जिसपे मेरे भक्त शनिवार को सरसों के तेल से अर्चना करे। अब बस केवल आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। और फिर हनुमान जी कहते हैं, आज्ञा नहीं, आप आदेश दीजिए। और कहते हैं, शनिदेव जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके इतने प्रेम पूर्वक आग्रह को भला कैसे ठुकरा सकता हूँ। आप सच्चे मन से और पवित्र हृदय से ये सब कह रहे हैं, इसलिए अवश्य ऐसा ही होगा। और फिर तभी शनिदेव कहते हैं, आप धन्य हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, यदि श्री कृष्ण जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे समस्त संसार का कल्याण छिपा होता है। और फिर तभी महादेव कहते हैं, मेरे आराध्य श्री कृष्ण का तो जीवन ही सेवा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं, अब तो शनिदेव ने भी जय श्री राम कह दिया राधे। और फिर तभी राधा कहती हैं, किंतु द्वारिका वही बोलेगी जो उसे बोलना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, श्री राधा हनुमान जी के लिए लड्डू बना रही होती हैं। और फिर निषाद उल्मुख कहते हैं, आप थकी नहीं श्री राधा, हम तो अत्यंत ही थक गए हैं, आप अपने सहायकों से कह दीजिए ना, वो अब लड्डू बना देंगे। और फिर तभी राधा कहती है, नहीं निषाद उल्मुख, सहायक लड्डू बना के थक गए हैं, उन्होंने ढेर सारे लड्डू बनाए हैं, अब तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए ना, चलो शीघ्र करो। और फिर आप लोग देखेंगे मित्रों की, तभी वहाँ पर हनुमान जी आ जाते हैं और कहते हैं, प्रणाम देवी राधा। और फिर तभी राधा कहती है, हनुमान जी आप यहाँ? और फिर हनुमान जी कहते हैं, और मैं कहाँ जाता, आपके द्वारा बनाए गए उन स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध मुझे यहाँ खींच कर ले आई देवी राधा। और फिर राधा कहती है, आप ही के लिए तो बनाए गए हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, धन्यवाद, आप तो बहुत ही अच्छी हैं, परंतु एक बात बताऊं, मैंने अभी अभी आपने जो कहा मैंने वो सब सुन लिया। और फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे पराजित नहीं कर पाएंगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, यदि ऐसा है तो विलंब कैसा, सभा को आमंत्रित किया जाए। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, वो तो मैंने पहले ही कर दिया। और कहते हैं, यदि आप तैयार हैं तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को आरंभ करना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं, हनुमान जी बड़े ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, मुझसे पूर्व ही संपूर्ण द्वारिका को सभा के लिए आमंत्रित कर दिया, पता नहीं ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहा तुमने, उन्होंने समस्त द्वारिका को आमंत्रित कर दिया सभा में बिना मुझसे पूछे। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं, एक बात कहूँ, तुम द्वारिका के राजा होने से पूर्व ना मेरे परम सखा और प्रेमी भी तो हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, वो तो मैं हूँ, किंतु उसका परिस्पर्धा से क्या संबंध है। और फिर राधा कहती हैं, एक वचन दो मुझे, यदि मैं हनुमान जी के समक्ष तुम्हें पराजित होती हुई दिखी तो तुम्हें मुझे कोई युक्ति सुझानी होगी जिससे वो भी विजय ना हो पाए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ राधे, मैं तो निर्णायक हूँ ना, मेरे लिए संभव नहीं है। और फिर तभी राधा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम सबसे पहले मेरे प्रेमी और सखा हो कृष्ण, और इस नाते से तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्या तुम सत्य में यही चाहती हो राधे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी राधा से कहते हैं, वचन देता हूँ कि जैसा तुम चाहती हो राधे वैसा ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, हनुमान जी सभा में सभी द्वारका वासियों से कहलवा देते हैं कि जय श्री राम, एक स्वर में बोलो जय श्री राम, और सभी द्वारका वासी जय श्री राम बोलने लगते हैं। और फिर हनुमान जी राधा से कहते हैं, देख लीजिए, अब तो आपकी द्वारका नगरी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मेरी प्रभु राम के प्रति भक्ति सर्वोच्च है। और कहते हैं, ये सब भी आज प्रभु श्री राम के नाम की उद्घोषणा कर रहे हैं,
अब आप भी अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, राधा अपने मन में कृष्ण जी से कहती हैं, कृष्ण तुमने वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगे, कोई युक्ति निकालो और मेरी सहायता करो। ये सिर्फ मैंने अपने लिए तो नहीं किया था ना, ये तो हमारे प्रेम के लिए किया था। क्या मेरी हार में हमारी हार नहीं है कृष्ण? मुझे शक्ति दो कृष्ण, नहीं तो मैं पराजित हो जाऊंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, रुक जाइए हनुमान, मैं निश्चित रूप से ये स्वीकार करता हूँ कि आपकी भक्ति की महानता हम सभी अनुभव कर चुके हैं, इसलिए तो समस्त द्वारका ने जय श्री राम की उद्घोषणा की है। किंतु एक और बात है, देखिए हर भक्त के लिए अपने प्रभु की ही भक्ति सबसे अधिक महान होती है। यहाँ हनुमान और राधा दोनों उपस्थित हैं और दोनों ने अपनी भक्ति की महानता अपने अपने अनुसार सिद्ध की है और ये हम सबने देखी है, अनुभव की है और मानी है। किंतु राधा की बात की जाए, राधा जिनकी भक्त हैं, जिन्हें अपना प्रभु मानती हैं, वो यहाँ उपस्थित है ये स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए कि राधा ही उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि राधा मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। किंतु यही बात कही जाए हनुमान जी के विषय में, तो क्या उनके आराध्य उनके प्रभु भी यही मानते हैं कि ये उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं? ये हम नहीं जानते। क्या वो ये बात स्वीकार करते हैं कि आप उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं? ये हम नहीं जानते। क्या वो ये बात मानते हैं? यदि मानते हैं तो आप ये सिद्ध कैसे करेंगे हनुमान? क्या वो यहाँ मेरे भांति उपस्थित हो सकते हैं? और कहते हैं, इस बात को उठाना आवश्यक है क्योंकि जो आपके प्रभु हैं वो आपके विषय में क्या विचार रखते हैं, आपकी भक्ति को किस प्रकार अनुभव करते हैं, क्या उन्हें लगता है आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, मैं आपकी बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं मैं स्पष्ट करती हूँ, जिस प्रकार कृष्ण यहाँ उपस्थित हैं मेरा समर्थन करने के लिए, उसी प्रकार श्री राम को भी आपका समर्थन करने के लिए यहाँ होना चाहिए ना। और राधा कहती हैं, आराध्य जब तक स्वयं नहीं कहेंगे कि उनका भक्त सर्वश्रेष्ठ है, तो भक्त की भक्ति का दावा तो अधूरा रह जाएगा ना। और फिर हनुमान जी कहते हैं, क्या मेरा दावा अधूरा है? क्या मैंने यहाँ जो कुछ भी कहा वो असत्य है? तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।